मांगता है क्या बोलो वाणी तुम जितनी सुरीली हो तुम्हारा बाप ससुरा उतना ही बेसुरा है। ओ खैर जाने दो कुछ प्यार की बातें करते हैं। अब्बा जब्बा जब्बा ये कोड़ भाषा छोड़ दो अब सीधी साधी भाषा में एक गाना सुना दो मौका भी है दस्तूर भी है और सिचुएशन भी है। अब्बा जब्बा जब्बा अब्बा जब्बा जब्बा क्या बर्तन वाली है तू कोयल की तरह मटक मटक कर झटक झटक कर गाओ ना। अब्बा जब्बा जब्बा अब्बा जब्बा जब्बा अब्बा जब्बा जब्बा अब्बा जब्बा ये क्या गड़बड़ है यार सिर्फ साउंड इफेक्ट है ना गाना है ना डायलॉग। एक काम करो वो भजन ही सुना दो ना जो तुलसी का रान लेते हुए गाया था तुमने। अब्बा जब्बा जब्बा तुमने नहीं गाया फिर किसे गाया। अब्बा जब्बा जब्बा तुम्हारी माँ ने गाया। अब्बा 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 यानी कि तेरे अब्बा ने मुझे बेवकूफ बनाया और ये डब्बा मुझे थमा दिया है। तभी सोचूं स्टोरी में चेंज कैसे आ गया है। ये स्वाग रात नहीं तेरे अब्बा की अमावस की रात है। अभी मैं तेरे अब्बा का जब्बा फाड़ता हूँ। अब्बा उठ उड़ो अभी लव सीन खत्म हो गया है फाइट सीन शुरू है। अर्थात आपको पता चल गया तुझे पहले से मालूम था तो मुझे क्यों फंसाया। मैंने फंसाया नहीं फंसाया तुमने कहा था ना तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है कहा था ना। हाँ कहा था तो मैंने पूछा था ना कि उसने कैसे बताया पूछा था ना पूछा था फिर तुमने क्या कहा था वो मुंह से बताएगी कि काम से बताएगी। वो तो कॉमेडी सीक्वेंस समझ के मैंने कॉमेडी किया था तो ट्रेजेडी सीक्वेंस ट्रेजेडी डायलॉग बोलो कैसी ट्रेजेडी। मैंने कहा था ना वो बेजुबान है बोलती नहीं गूंगी है कहा था ना मैंने। अब किसे परेशान कर रहे हो जी तू तो बोलती भी है। अरे वाह इतनी जल्दी गड्ढे भी चेंज करके आ गई मेरे को बेवकूफ बनाया। सासू माँ के क्यों लिपटते हो दामाद जी। सासू माँ यानी कि डबल रोल का फार्मूला यहाँ भी है। सासू माँ दामाद जी ये मामला क्या है जी? तुम बिल्कुल परेशान मत हो ये अपनी परेशानी घर ले गए। अच्छा जीते रहो बेटा क्या जीते रहो मैं तो बर्बाद हो गया मैं क्या करूँ। अब गले में घंटी बांधी है उसको बजाते रहिए चलिए चलिए मेरा लाल। मैं ही गधा था मैं। अरे जिसके नाम हसमुख है झूठी हंसी हंसता है उसकी बेटी जरूर गूंगी होगी। रंगीले तेरा पूरा रंग गीला हो गया रे। ऊपर वाले इसके टेप रिकॉर्डर में प्ले का बटन लगाना भूल गया था क्या तू। अब्बा डब्बा जब्बा अब्बा डब्बा जब्बा अब्बा डब्बा जब्बा। भाई साहब ये जरा एड्रेस बताइए। भाई साहब ये पता बता सकते हैं आप? आपकी शादी हुई है? हाँ हुई है। आपकी बीवी कैसी है? अच्छी है इसीलिए तो शादी की है। घर में बच्चे हैं? नहीं है। घर में टीवी है? हाँ है। चलता है? जी टीवी है? स्टार कनेक्शन है? हाँ है। केबल है? कितना पिक्चर दिखाते हैं? दो पिक्चर बताते हैं। तीन क्यों नहीं दिखाते? अरे तीन नहीं बताते यार। ब्लैक एंड व्हाइट की कलर है? ब्लैक एंड व्हाइट है। तो कलर क्यों नहीं लिया? अरे मेरी मर्जी की बात है। कौन है आपकी मर्जी से मतलब? अरे ये कौन है भाई आप? तुम कौन हो? मैं भूल गया हूँ। घर में बिल्ली है? नहीं है। कुत्ता है? है। चारपाई पे खटमल है? नहीं है। दीवार पे चिपकली है? है। नारे की मादा है? ठीक से देखा नहीं हूँ। एक्शन। माँ अरे हरी मैं जट यमला पगल दीवाना। माँ मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। माँ माँ के पहुँचो जीती रहो जीती रहो। अच्छा सुनते हो जी जरा जल्दी आइए ना अपना हरी आया है। फिर आ गया? मैं तो समझा पुलिस ने पकड़ लिया होगा किसी जेल में सड़ रहा होगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है आने वाला कई तूफान है। माँ ये कौन है? देखिए ना किसी चांद जैसी बहू लाया हमारा हैरी। बहू बेटी पैर छू अपने ससुर के चलो। ये हादसा कब हुआ हीरालाल?
मैं हीरालाल नहीं हैरी हूँ बाबा। चल, तेरा नाम क्या है बेटी? अपना नाम बताओ बेटी। अब्बा डब्बा चब्बा। मैंने सिर्फ तेरा नाम पूछा, तेरे खानदान का नहीं। अब्बा डब्बा चब्बा। ये किस टाइप का नाम है? ये नए टाइप का नाम है बाबा। इसको पी डालूंगा। आप छोड़िए ना, आजा बहू आजा, तू मेरे साथ चल, आजा शाबाश बाबा। ये डिपार्टमेंट इन था। हेलो हेलो, ये क्या है? भाई आया है। भाई? अरे मेरा भाई तो मर के 5 साल हो गया। ये चश्मेश, असलम भाई आया है। चल गणपति का चंदा निकाल। असलम भाई और गणपति का चंदा? हाँ, चंदे में और धंधे में असलम भाई के लिए सब धर्म समान है क्या? लेकिन असलम भाई, मेरा भाई मर जाके 5 साल हो गया, जब से मैं गणेश नहीं मना रहा हूँ। तेरा भाई मरेगा तो भगवान को छोड़ देगा? अबे इंसान भगवान को छोड़ता है लेकिन भगवान इंसान को छोड़ता है नहीं, और असलम भाई कभी नहीं छोड़ता है। चंदा दे चल। लेकिन भाई, ये अपना आदमी है। इसको बोल इज्जत से जरा चंदा दे। चंदा नहीं दिया भाई को? चल फोटे से फोट, चल फोट। अबे भाई भाई भाई, अरे सुभाष कहने क्या बोला? क्या बोलेगा, वो तो रितु को लेगा बेटा। यार सुभाष भाई ने बोला? वो क्या बोलेगा यार, उसका ऑफिस बॉय बोल रहा था। तो यश चोपड़ा से मिलो ना। अरे वो अपनों कहाँ लेगा यार, वहां तो शाहरुख बैठा है ना। है नहीं था, मोहब्बत के बाद दोनों के बीच में नफरतें शुरू हो गई। बोले तो शाहरुख आउट, ऋतिक बिजी, खाली कौन? मैं भी वही बोल रहा हूँ। असलम भाई मेरे को तो आजकल पोस्टर भी दिख रहा है। अरे यार यश चोपड़ा पेश करते हैं, असलम भाई दुल्हनिया ले जाएंगे। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अबे दवा जोर से साले, खाना नहीं खाते क्या? असलम भाई हाँ, ये रहा आज का कलेक्शन। हाँ तो पेटी में डालना। असलम भाई वो बैंगनवाड़ी का ज्वेलर सेट है ना, उसने आज का हफ्ता नहीं दिया। दो छोकरे बेच के गला उठा के ला, उठा के ला उसको। ठीक है भाई। भाई हरी लाला है। सलाम अलैकुम असलम भाई। क्या रे, तेरे को बुलाना पड़ता है क्या? वो पिक्चर देखने गया था ना शक्ति, तो अमिताभ बच्चन को देखा, आपकी बहुत याद आए भाई। क्या काम किया उसने पिक्चर में, फर्स्ट क्लास। वो क्या काम किया, यूसुफ ने उसको खुला खा लिया। यूसुफ भाई, ये कौन सा भाई? अरे दिलीप कुमार यार, कच्चा खा गया लंबू को। बराबर बोला भाई। अरे दिलीप कुमार के सामने तो अमिताभ बच्चन था ही नहीं, नजर ही नहीं आया। ऐसी बात भी नहीं है यार, अमिताभ बच्चन भी अच्छा एक्टर है। लावारी, शराबी, दीवार में उसने भी सॉलिड काम किए ले, उसके टक्कर का कोई है भी नहीं आज। हाँ भाई। नहीं नहीं है ना भाई। कौन है? आप हो ना भाई। क्या बात कर रहे हैं, मैं और एक्टिंग। एक प्लेट कबाब ला रहे भाई। सच बोल रहा हूँ मैं, आप फर्स्ट क्लास एक्टर हो। अरे छोड़ना यार, मेरी एक्टिंग कौन देखेगा यार। कैसी बातें कर रहे भाई, हम लोग है ना, हम लोग देखेंगे ना। अब थोड़ा दिखाई ना भाई, थोड़ा। अरे हल्का सा प्लीज भाई, थोड़ा सा। अरे क्या बात कर रहे हैं, प्लीज भाई प्लीज थोड़ा दिखाओ। हाँ चलो मुंडी और घुमाओ, चलो। ए मुंडी पलटे दुपट्टा डालूंगा तुम्हारी। क्या है, एक्टिंग कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, यहाँ से आता है। अभी ले ले हीरो, खुशी में उसकी एक्टिंग अलग होती है। रोमांटिक लड़की के साथ, विलन। ए अबे जाता है, पकड़ लिया, घुपत घुपत, ये घुटना ये टक्कर तेरी तो। हीरोइन को लिया, चला गया। फिर इमोशन, इमोशन इमोशन एक ही बात है, मतलब माँ मर रही है, माँ मर रही है, बेटा रो रहा है। माँ मत मुझे छोड़ के, मत। आंसू आ रहे ला, अभी आएगा। माँ अरे तूने मुझे जन्म दिया है, माँ अकेला छोड़ के जाएगी मुझे। आ गया देख, पैर अभी आएगा। माँ
अरे नौ महीने पेट में तूने मुझे रखी, नौ महीने और छोड़ क्यों हुई? ज्यादा हंसू नहीं आनी चाहिए, फिर और एक्टिंग हो जाती है। वाह, तू कौन है? कपूर, आज कपूर, राज कपूर। वो तो थे कल, आज आज कपूर। वैसे लोग मुझे नहीं जानते, मैंने जिन लोगों को बनाया लोग उन्हें जानते हैं। गोविंदा को विरार से कॉल लाया, सुनील शेट्टी को उड़ीपी से कॉल लाया, अक्षय को बैंकॉक से कॉल लाया, परदीन खान को कॉल लाया जू से जंगल तक। मैं आज आज कपूर ने आपको देखा, कल सारी दुनिया देखी। कल महबूब स्टूडियो आके मिलना, लाइफ बना दूंगा कल। मैं पिया है लेकिन पी के नहीं बोल रहा हूं। ये भाई सुने, एक चीज समझ में नहीं आती, तू इतना बड़ा आदमी है तो ऐसी जगह क्या कर रहा है? हीरा कहाँ मिलता है? हाँ, कोयले की खान में। ऐसा हीरा ढूंढने के लिए ऐसी जगह आना पड़ता है। साहब जी, उसका नाम बिंदिया नहीं, पूजा है। पूजा? पूजा वाइल्ड फ्लावर हाउस के पास कॉन्वेंट कॉलोनी में रहती है। माँ बाप रिश्तेदार घर में कोई नहीं है, अड़ोस पड़ोस वाले उसकी सब कुछ है। बस्ती में बड़ी इज्जत है। तारा रानी सेक्रेड हाई स्कूल में पढ़ाती है। सैटरडे संडे जब छुट्टी होती है बस्ती वाले की मदद भी करती है, और शाम को दो घंटे डॉक्टर दस्तूरी के क्लिनिक में प्रैक्टिस करती है। और कुछ पूछना है? अरे यार जॉनी, जॉनी तूने मुझे उसके बारे में इतना कुछ बता दिया। जॉनी, जॉनी, मैं पूजा, मैं पूजा, मैं पूजा नहीं हूँ, मैं जॉनी हूँ। अरे पूजा को ऐसे गले लगाओ तो बात बने ना। अरे यार जॉनी, जब तूने उसका आता पता ठिकाना सब कुछ बता ही दिया है तो आज नहीं तो कल उसको भी गले लगा ही लूंगा यार। प्यारे देखते रह जाओगे, ये लो फॉर्मूला नंबर 22। और फिर लड़की को अपने प्यार में ब्लडी फूल बनाने के लिए रोज इस्तेमाल कीजिए ताजे और खुशबूदार लंबे छोटे फूल। ले लो दो फूल, कर दो गरम गरम फूल और कहो डार्लिंग कूल कूल कूल। फिर इससे पहले कि लड़की बस में चले जाए उसको बस में कर लो और कहो उससे, पूजा तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी खूबसूरती से फूल भी शर्मा जाएंगे। ऊपर वाला जब आसमान से जमीन पर देखता होगा तुम्हें कब और किस वक्त बनाया होगा यही सोचता होगा, आई लव फूल, यू लव फूल, यू आर ब्यूटीफुल। चल 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 चल। ये डायलॉग तो कोई भी बोल सकता है यार, इसमें सिखा क्या रहा है तू मुझे? देख कैसे बोलता हूं मैं। पूजा जी, पूजा जी, मैं इन फूलों के लिए आपको लाया हूं। जी? उल्टा बोल रहा, उल्टा बोल रहा, मेरा मतलब है कि आप इन फूलों की तरफ देखिए, आपको शर्म आ जाएगी। मेरे फार्मूले का सत्यानाश करेगा तू? मेरा मतलब है कि ऊपर वाला भी जब नीचे देखता होगा इन फूलों को किसने बनाया सोचता होगा। पूजा जी, आप भी फूल है, ये भी फूल है, आई लव फूल, यू लव फूल, एंड लुक एट दिस फूल इज सो ब्यूटीफुल। पूजा जी, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मेरा नाम अर्जुन है। आपके बताए बिना अगर आपका कोई नाम अता पता जान ले, इसका मतलब वो आपको दिलो जान से चाहता है, राइट? पूजा, वैसे तो दिल रोज धड़कता है लेकिन तुम्हें देखकर मैंने जाना कि धड़कन क्या होती है, चाहत किसे कहते हैं। तुम मेरे बारे में कुछ भी समझो लेकिन मैंने तुम्हें अपनी जान मान लिया है। आज से मेरे लिए तुम मेरी जान हो और मैं तुम्हें तुमसे मांगने आया हूं, कहो मंजूर है? तुम्हारी इस खामोशी को क्या समझो? हाँ केला जा। पूजा, क्या यार तेरा फॉर्मूला फेल हो गया यार। फार्मूला 22 फेल हुआ तो क्या हुआ, फार्मूला 44 है मेरे पास, मगर इसको मत छोड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो, अरे पकड़ो, मेरा ये फार्मूला भी फ्लॉप हो गया रे। अरे यार ये लड़की तो जवाब ही नहीं देती, गुंगी है, क्या बात करता है? मैं तो बोलता हूँ गुंगी लड़की बहुत बेस्ट होती है, वरना ये लड़कियां शादी के बाद इतना बोलती हैं कि आदमी बहरा हो जाता है। अरे यार कम से कम नफरत की निगाह से ही देख लेती मुझे, मैंने सुना है नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। सीढ़ी?
अरे प्यार को पाने के लिए मैं सीढ़ी क्या सीढ़ी बम्बा दूंगा, खंबा दूंगा, इतना लंबा दूंगा कि दिल की खिड़की में डायरेक्ट एंट्री मारोगे तुम। क्या उल्टा सुल्टा बोल रहा है यार, कम से कम दो चार गालियां दे जाती। गाली सुनने को तैयार हूँ। मुझसे नहीं होगा, मान जाओ मेरी बात। अरे कहो ये वालो, आ आ मुंह मिटा करो, मिटाए खाओ। आयो नोकिया, सफेद जूता, सफेद पैंट, सफेद शर्ट, ऑस्ट्रेलिया से मैच हार के आए क्या? नहीं नहीं यार, मेरी शादी की सालगिरह है ना। पर तुम्हारी बीबी तो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी ना। भाग गई तो मेरी बॉडी में क्या फर्क पड़ता है? आयो क्यों नहीं पड़ना जी, तुम सब लोग है ना। अरे आई रे बंधु होली होली आई रे, अरे रंग डालो होली होली आई रे होली रे। क्या बात करता है जी, चमक चांद में कहीं होने हो सकते हैं। कौन बोलेगा साठ चमक धनी में होली नहीं होता है? एए, कौन बोलेगा साला बाहर निकलो रे, बंदूक से साला गोली वोली चला देगा, बात करता है। तूने कहा अंगाना देख, साला रंग नहीं डाला है, देखता नहीं साला सफेद रंग है, सफेद रंग रंग नहीं होता है। हे आई रे बंदो होली। अरे भाई चटर्जी, अगर आप इन्हें पहले इत्तला दे देते कम से कम ये फटे पुराने कपड़े पहन के तो आ सकते थे। ए एक सूट का दिलीप कुमार है, ऐसा रंग डालेगा सूट पे ना भूल जाएगा, एक मिनट ठहरो साला बात करता है। क्यों भाई, क्या आप कॉलोनी के मेम्बरान को ये महसूस नहीं होता कि इस पागल का कोई इलाज करना चाहिए? आज इस बदबख्त ने मेरे इकलौते सूट को रंगने की कोशिश की है। ओ भाई साहब, एक होता है टू मच, ये तो टू मच से भी ज्यादा परेशान कर रहा है। तुम ठीक बोला जी, ये जब दिल में आता दिवाली मना के, रक्षाबंधन मना के, होली मना के हम सबको बनाता। लगता है इसका भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इसका भी मतलब? मतलब आप वाली कहानी बाद में देख लेंगे, मुतु पहले इसको कुछ सबक सिखाने की ना सोचे। तुम यहाँ हाथ रखा, हम यहाँ सोच लिया। यहाँ क्या सोचा? आज होली नहीं, आज गणपति। बोलो गणपति बप्पा। अरे बाबा क्या पागल हो गया है, गलत टाइम पे फेस्टिवल कोड़ेगा रे बाबा, कैसा कैसा लोग है। हम नेगोशिएट कोड़ेगा, हम बातचीत कोड़ेगा। अरे आज गणपति का फेस्टिवल नहीं रे, आज तो होली का फेस्टिवल है रे। कौन कहता है गणपति फेस्टिवल नहीं है? अरे क्या बात करता है, गणपति का फेस्टिवल पूरा इंडिया अगस्त में मनाता है। अरे क्या बात करता जी, कौन बोला जब पूरा इंडिया गणपति मनाएगा तो हम भी मनाएगा? हम सोएगा तो पूरा इंडिया सोएगा गणपति बप्पा, हम रोएगा तो पूरा इंडिया रोएगा गणपति बप्पा, अपनी बीवी को प्यार करेगा तो पूरा इंडिया हमारी बीवी को प्यार करेगा। ये नहीं हो, हम मनाएगा, हम उस दिन मनाएगा जिस दिन हमारे खीसे में पैसा होगा गणपति बप्पा। साला हमारा गोली हमको खिलाना है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम गणपति का फेस्टिवल मना रहा है लेकिन गणपति किधर आए? तू आई ना गणपति, गणपति महाराज की तो सूंड होती है ना भाई। ओ भाई नाक खींचेंगे तो सूंड बन जाएगी, उनके कान भी लंबे लंबे होते हैं। कान खींचेगा तो कान है लंबा। अयो कान खींच गया, सूंड लंबा हो गया, अब विसर्जन भी तो करना पड़ेगा जी। चलो उसका विसर्जन जमुना नदी में। हमको चढ़ना नहीं आता, हमको डूबना आता है। अरे तो नकली गणपति है, इसका विसर्जन कॉलोनी के गटर में कर देते हैं। गटर अगर आप इनको गोटर में डाल देंगे तो गोटर का पानी गोंदा हो जाएगा। पॉलिटिशियन की मम्मी पार्टी में डालता डोल बोतल। चलो जी जल्दी से गटर में डालो, चलो जल्दी करो। हम कसम खाता है कभी भी गलत टाइम पे फेस्टिवल नहीं मनाएगा, हमको माफ करो बाबा। चलो माफ किया, अगर आगे से गलत टाइम पे ईद मनाई तो बकरे की तरह हलाल कर दिए जाओगे। गलत टाइम पे दशहरा मनाया तो रावण की तरह तुम्हारा वध कर देगा। और अगर 15 अगस्त को 26 जनवरी मनाई तो मैं इंडिया गेट पे तेरी परेड करवा दूंगा पुत्रा। करा देगा। ए बीबी चलो हम घर जाएगा, आज होली नहीं है, होली आज गणपति भी नहीं है, हम कोई फेस्टिवल नहीं मनाएगा। क्यों मनाएगा, हमारा देश का हालत खराब है, कोई फेस्टिवल नहीं मनाएगा। हम मनाएगा, आज दुर्गा पूजा है, दुर्गा। नहीं नहीं, अरे मैं तो पैर छू रही हूँ बाबा। ओह मुझे लगा पटक रही हो। आज मैंने तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। वो क्या होता है? जिस पत्नी को अपने पति से बहुत प्यार हो वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखती है। तुम उससे बहुत प्यार करती हो? हाँ जी। तो डाइवर्स हो नहीं सकता? क्या कहा? कुछ नहीं। हेलो हेलो, यो ब्रदर तेरे लिए गुड न्यूज है। क्यों, मेरे ससुर मर गया? हे मैन, मैं तेरे सास और ससुर के बारे में नहीं तेरी पत्नी के बारे में बोलना चाहता हूँ। योर वाइफ सुनेगा ना तो गलकटे मुर्गे की तरह तड़फड़ाने लगेगा।
गला कटा मुर्गे, ऐसे क्या किया मेरे मुर्गे ने? क्या किया? She's having an affair. उसका चक्कर चल रहा है. किसका टाइम आ गया? कौन दबके मरना चाह रहा है? कौन है हरामखोर? है गोरा. शादी काले के साथ और चक्कर गोरे के साथ. Hey, are you listening to me? सुन रहा मेरी बात? सुन रहा हूँ तो रिपोर्ट देता रहे, मैं बाद में इसकी रिपोर्ट लेता हूँ. रिपोर्ट इज दिस, क्या आज तेरी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दिया? गिफ्ट? मुझे करवा चौथ का लॉलीपॉप, उसको गिफ्ट? बस ऐसे ही हो रहा है यार. वो एक को पकड़ती है, दूसरे को लिपटती है, तीसरे को देखती है और चौथे को छेड़ती है. यार वो बड़ी चक्करबाज नारी है यार. अपने साइज के हिसाब से जा रही है. इस नारी की ऐसी तरकारी बनाता हूँ कि सरकारी गाड़ी मुझे इज्जत से लेने आए. कौन है ये गोरा? कौन गोरा? तू जिसको गिफ्ट देती है तेरा लफड़ा है. मेरा किसी के साथ लफड़ा नहीं है. तेरा लफड़ा है, लफड़ा है, तूने लफड़ा किया है. हाँ, मेरा लफड़ा है. रेकी के साथ. कौन? तुम्हारे साथ. अरे कालिया तो है मगर वो गोरा कौन है? मुझे क्या मालूम? ये बोलती है नहीं मालूम. अरे तू कौन है? अरे ये रहा तेरा मोबाइल फोन, गलती से तूने मेरा फोन ले लिया. तब से इस फोन पे पता नहीं जीना टीना मीना, पता नहीं किन किन नालायक लड़कियों के फोन आ रहे हैं. कहती है डार्लिंग 4 बजे मिलना, डार्लिंग 8 बजे मिलना, पता नहीं कौन कौन है यार. क्या तुम्हें इतनी सारी लड़कियों के फोन आते हैं? अरे वो लोग डाइवोर्स के केसेस है यार. अब मैं समझी तुम इतने बिजी कह रहे थे. विनायक वासुदेव हरने लगा बड़ी बड़ी बात करने और हमको छोड़ दिया मरने. बड़ी बड़ी बातें, रिश्ते हो जाएंगे, भाग रहे सब रिश्ते, भगोड़े निकले. अरे मैंने सोचा कि तू किसी रिश्ते को भेजेगा और तेरे रिश्ते मेरे घर में सेटल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, तेरे रिश्ते तो तुझसे भी ज्यादा डिफेक्टिव निकले. अरे बाबा मैंने तुम्हारे घर में ये एंटीक पीस भेजा कि ये समझ के कि तुम्हारा घर म्यूजियम है. अभी उसमें सेटल नहीं हो गया तो मैं क्या करूं? हाँ अपन अभी मैं तुम्हारी भतीजे का हाथ मांगने के लिए ऐसा आदमी भेजूंगा जिसका हाथ इतनी है. बोलो पन दो बेटी है, दो जानन एक जिसम, लव चमक चमक गए ना, अभी देखेगा तो और चमकेगा. धपक दुम्बा या सर जी, मैं उस दिन की माफी मांगने आया हूँ. मैंने घर जाके रियलाइज किया कि मुझ जैसे बुजुर्ग बंदे को एक जवान लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए. अब मैंने सोच लिया है कि शादी करूंगा तो कोई अपनी उम्र वाली से, चाहे बिपाशा हो, मलिका हो, कोई भी हो. मैंने कौन सा कुछ करना? एक मेरे को बता, तू शादी काय को करना चाहता है ये मेरे को बता. नाम के लिए. इस उम्र में बंदा सिर्फ नाम के लिए शादी करता है. तेरे को एक्चुअली नाम वाली नहीं, काम वाली चाहिए. मैं तेरे लिए मौसी ढूंढता हूँ. मौसा देखते रहे इंसान की हालत क्या हो गई. भगवान कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया. आपकी बार जो रिश्ता लेकर आ रहा हूँ ना, वो मैं खुद लेकर आ रहा हूँ. पर देखना कहीं वो भी ना भाग जाए. अरे वो वीर है, वीर रस कवि, वो भागता नहीं, उसकी कविता सुन के लोग भागते हैं. चलो देखते हैं फिर. सर जी मेरी वीरता के बारे में क्या सोचा है? मेरी भी शादी शुदी कराओ, मैं भी अपनी वीरता दिखा सकूं. अरे बाबा तू कौन है, क्यों है, किधर है, मेरे पीछे क्यों पड़ा है? अरे बाबा तू. अरे बेटा तू कितना इमोशनल हो गया है. अरे इतना तो कोई मेरी मैयत पे भी नहीं रोया था. क्या मतलब? मतलब ये कि आज से 420 साल पहले मुझे शादी कराने का बड़ा शौक था और मैं कुआरा ही स्वर्गवासी हो गया. मेरे दिल की तमन्ना थी मेरी शादी हो जाए. तुम शादियों के तांत्रिक हो, मेरी शादी करवा दो. अरे मैं पहला भूत हूँ जिसे शादी का भूत सवार हो गया है. मेरी अरे बाबा तू जिधर से आया तो रुको वापस जा बाबा. मैं तेरी शादी चुड़ैल डायन भूती से बात करके जमाने की कोशिश करूंगा बाबा. माफ कर रहे बाबा, तेरा पैर पड़ता हूँ, हम लोग का पीछा छोड़ रहे बाबा. बीवी तुझे पता है ना संडे है? तो अरे संडे वाले दिन मैं अपने सर पे मोबाइल ऑयल लगाता हूँ ताकि मेरा माइंड पावरफुल हो जाए. जाओ मोबाइल ऑयल लेकर आओ और मेरे सर पे ऐसा मालिश करो ताकि मेरे सर पे चांद निकल आए.
सुना है चांद वाली खोपड़ी के पास धन आता है। लेकिन घर में मोबाइल ऑयल तो है नहीं, नीम का तेल लेकर आऊं? नीम का तेल? नीम का तेल क्या मेरे सर में कीड़े भरे हुए जो खाने के टाइम पे प्लेट में गिरते हैं? नीम का तेल, चल ऑयल लेके आ, चल। अच्छा बेटी कहाँ जा रही हो? इनके लिए तेल लेके आती हूँ। इसके लिए तेल? इसको तेल की क्या जरूरत है? कहीं गधों को भी कोई तेल लगाता है? जाओ मेरे लिए तेल लेकर आओ, आज मैं धूप में अपनी मालिश खुद करूंगा। और तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मुंह क्या देख रहा हूँ? जाओ मेरे लिए चुरुट लेकर आओ। चुरुट? चुरुट चुरुट चुरुट। हाँ ले आए चुरुट। जी जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं लगाऊं? आराम से ना। मैंने कल ही फिल्म में देखा था कि आदमी के सर में चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। ये मेरे माथे पे किस शहीद का खून लगा है माँ? माँ? अरे बेटा मैं तेरी माँ नहीं, तेरा ससुर हूँ। ससुर? देखने में तो गुंडा लगता हो। मुझे इस अनजान जगह पे कौन लाया है? देख लिया ना, इनकी याददाश्त चली गई। मैं आपको पहले ही कहती थी फिल्म की बात कभी झूठ नहीं होती। किसकी याददाश्त चली गई बहन जी? आप अंदर चलिए। अंदर? कौन हो तुम? आप अंदर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। बचाओ, चलिए चलिए। बचाओ बेटा। अरे ये दादा कहाँ है भाई? वो सामने है। संभाल के संभाल के। अरे बहुत बढ़िया आदमी है दादा। अरे दादा सलाम। वालेकुम सलाम नंदू, तुम किधर है यार? अरे दादा इनसे मिलो, ये है रंभा। रंभा 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 वादा, क्या जवानी, जैसे चरण रानी, जैसे काबुल के चिलगोज। माफिया ये रंभा को मेरा कमरे में लेके जाओ यार, मैं बादाम पी सका क्या? जाओ जाओ लेके जाओ। अरे नहीं दादा, खान दादा ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अरे ये आपके फिल्म की हीरोइन है, हीरोइन। वल्लाह ये मेरा हीरोइन है। वो यार मेरे को माफ करो, वो कभी इसका बच्चा तो पहले क्यों नहीं बोला यार? वो माफिया जाओ मेरा हीरोइन के लिए एक बटाटा वड़ा और एक कटिंग चाय लेके आओ। व्हाट? बटाटा वड़ा? अरे अरे खान दादा क्यों इज्जत का फलूदा कर रहे हो? अरे ये हीरोइन है, कोई काम करने वाली बाई नहीं। अगर मंगवाना है तो बटाटा वड़ा नहीं, कोई बर्गर मंगाओ, कोई पिज्जा मंगाओ, है ना? है ये तो मेरा मोहल्ले में नहीं यार भाई, इसको शाम को लिंकन रोड लेके जाएगा, पिज्जा खिलाएगा, वीजा दिलाएगा। ये यार मेरा बुलबुल, तू मेरे साथ काम करेगा? व्हाई नॉट, हमें अपना करियर बनाना है, हम किसी के साथ भी काम करेगा। वो देखो यार। अरे बिल्कुल आई डोंट माइंड। क्या है आप बिल्कुल फिक्र मत करो दादा, बड़ी तबीयत से काम करेगी, बहुत टैलेंटेड है और एक्टिंग तो इसके कपड़े लगते में भी भरी हुई वो है। वो तो एक्टिंग देखेगा यार। क्या? एक्टिंग देखेगा यार। दादा वो बात क्या है कि मैंने आपको डायरेक्टर से मिलवा दिया, हीरोइन से मिलवा दिया, सारा मामला फिट कर दिया, बस अब मुझे 2 लाख रुपए दे दे ताकि मैं पिक्चर का मुहूर्त अरेंज कर सकूं। माफिया इसको 2 लाख रुपए दो यार, जाओ यार तुम। दादा वो मेरी बात याद है? क्या? अमिताभ बच्चन। आई डोंट माइंड, अभी आ जा। मेरा मेरा जोड़ी जमेगा, अपुन ने बोलता है खुदा को। वल्लभ कुर्बान है, वल्लभ कुर्बान है। मुबारक हो कान भाई, मुबारक हो। तुम बहुत लेट आई यार, एक सुपारी ली थी उसी को टपकाने गया था, साला 5 बजे स्पॉट लगाना पड़ा, उसी को लुड़का के आ रहा हूँ। वो यार क्या बात, अरे मुन्ना भाई को बियर दो यार, बहुत थका है अभी यार, मर्डर करके आया, खाना भी ना खाओ यार। खाना भी है? खाना पेटी बाजार में तो खाना ऐसा बांट दिया ईमान से यार, नान चाप सी कबाब शाबे कबाब बोटी कबाब कलेजे खीरे सब फिर कर दिया यार। ये सब हमारा भाई लोग। खान भाई बहुत तो हीरो बन के आपने बिरादरी का नाम रोशन कर दिया। वल्ला वल्ला ये मिस यूनिवर्स कौन है? ये हमारा हीरोइन है, कभी हमारे डोंगरी पर भेज देना। ए भाई पहले फिल्म कंप्लीट होने दे, फिर मैं उसको डोंगरी पे लाता है ना यार। तू कौन है बे? ए शाने, मैं भी ना तेरे जैसा पहले उबड़ खाबड़ था, क्या
जिसको भी टपका है ना तो उससे बुलेट का पैसा वापस ले ला, अभी समझ जा। क्या कहा? अबे चल ओ भाई, अरे मुहूर्त तो होने दो, फाइटिंग वाइटिंग बाद में करना, अंदर चलो। तुम क्या बात करते भाई हमारा यार? दादा एक 10 लाख रुपए का चेक साइन करके दे दो। वो क्या चेक का बात करता तुम यार? वो यार कमाल का बात करता है। ए माफिया, इसको पूरा चेक बुक दो यार। चेक का बात करता है, ए पैसे का इधर कमी है ये बात करता है। चलो चलो चलो, जल्दी से नारियल फोड़ते हैं और इनका डांस शुरू करते हैं। चलो तुम जी, तुम तो वही हो ना वो घटिया आदमी जो हमें रेस्टोरेंट में मिले थे। देखिए देखिए, कभी कभी घटिया लोग में भी बढ़िया लोग मिलते हैं। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट? आपके लिए जान की बाजी लगा दी? गेट आउट, मैं हीरो बनकर आया हूँ। गेट आउट, मेरा दोस्त बेचारा उन कमीनों के हाथ मार खाया, उसको भी गेट आउट। आपको क्या पता आपकी अंगूठी के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा? मेरी अंगूठी? जी हाँ, कल आपके यहाँ दो सपेरे आए थे। हाँ। एक सांप ही लाए थे। सांप? हाँ हाँ। आपको पता है क्या मार कर गए? क्या? आपकी ये अंगूठी। हाँ ये? आप संभाल कर रखिए, आपको पता नहीं मेरे दोस्त की क्या हालत हुई है ये आपकी इस अंगूठी की वजह से। देखेंगी उसे दोस्त? दोस्त, अरे अरे संभाल कर दोस्त। डॉक्टर कहता है ये हड्डियां नहीं जुड़ सकती है, मैं कैसे चल रहा हूँ भगवान नहीं जानता है। बिल्कुल इस देश की तरह भगवान के भरोसे चल रहा हूँ। आओ थोड़ा मुझे वहां तक। नन्हे नन्हे संभाल नन्हे। ये हाथ की कुछ 6 हड्डियां, ये हाथ की कुछ 4 हड्डियां, उसके साथ साथ गर्दन की भी कुछ हड्डियां तकलीफ में आ गई। देखा मैडम, अब इसके बदन का कोई पार्ट काम का नहीं है। सुन पड़ गया है। और ये सब आपकी इस अंगूठी की वजह से। I'm really sorry. What sorry? पूरा काम भारी हो गया है, हड्डियां जुड़ नहीं सकती, डॉक्टर ने बोला। बिल्कुल नहीं। ये देखो आवाज आ रही ना, आँखों का कनेक्शन टूट गया है, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस हो गया है, घड़ी की पेंडुलम की तरह ये चलती रहेगी ऐसे ही, यूं ही। अब मैं भी पेंडुलम हो गया हूँ। नन्हे, अरे संभालो, अरे संभालिए, संभालिए, अरे संभालो, उठने की कोशिश कीजिए ना, उठाइए, उठाइए, आपने उठाया वरना उठता ही नहीं था बंदा, हड्डियों में जान आ गई। तू जिंदगी से हार गया? हार गया? गया। चल चल। अरे ये ले जाइए प्लीज। इतने बड़े हार के बाद इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। जो बीत गया बीत गया, मैं भी जीत गया, ये भी जीत गया। अच्छा मेरे साहब, हम लोग चलते हैं। सुनिए, इस अंगूठी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारा कितना अच्छा आदमी है, बेकार में हमने से घटिया समझा, मुझे मेरी अंगूठी लौटाई। वो तो है। अरे अंगूठी छोड़, तेरा हार कहाँ गया? अरे मेरा हार, मेरा हार, अरे यू मेरा हार ले गया वो। चल काले, तुम लोग पॉकेट मारते मारते लड़कियों के हार भी चुराने लगे। लेकिन साहब मैंने कोई चोरी। बकरा गया कसाई के हाथ में, अब मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। चल चल ऐसा। साहब शकल से तो ये आदमी चोर नहीं लगता। हाँ पाप ये करते हैं, अपराशित करने में किसी की पूरी जिंदगी चली जाती है। अरे साहब सुनिए तो। चल चल, मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं 1 महीने के लिए दुनिया भर की जेब काटूंगा लेकिन आपकी जेब नहीं काटूंगा। चुप, तुमने हमको खाने पीने वाला इंस्पेक्टर समझ रखा है? नहीं नहीं, अरे मैं बहुत कड़क हूँ। अरे साहब, अच्छा साहब एक काम कीजिए, वो जो हीरे का हार है ना आप घर ले जाइए और अपनी बीवी को पहना दीजिए। साहब राजकुमारी लगेगी, राजकुमारी। ये मेरी कमजोरी नहीं है। ओए माँ, ओए माँ, क्या हुआ? सुई चुप गई बाबा। सुई कहाँ? यहाँ। यहाँ कौन है तू? मैं चंपक अली, तू आया था कल मस्तान गली खाने 16 साल की मूंगफली। अच्छा तो तू वहाँ की कली है? कली हूँ मगर अब तक खिली नहीं हूँ। ए बंदर चलना अंदर, खोल। चल चल चल। ओए माँ, यहाँ तो कोई मत कलंदर, मैं कैसे रहूंगी अंदर?
अरे तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, निकल यहाँ से। नहीं साहब, मैं यहाँ से नहीं जाता। ये रानी जाना, मैं तेरा, मैं चंपक अली। तू पकड़, अरे साहब निकल यहाँ से। अरे मुझे जा, अरे साहब जा जा जा, हाँ जा रे जा, बच्चा है, चल उतारना। कपड़े ओ उतारता हूँ, उतारता हूँ। मैंने कपड़े उतार दिए, मैंने कपड़े उतार दिए, मैंने कपड़े उतार दिए। अब तुम भी अपने कपड़े उतारो ना। मुझे शर्म आती है। क्यों? पहले तुम आंखें बंद करो। ओ, लो, मैं आंखें बंद कर रही। जब तुम्हें हाँ ना कहूँ, खोलना नहीं हो? नहीं खोलूंगा। हाँ? नहीं खोलूंगा। खोलू? खोलू? नहीं। आंखें खोलू? अब खोलो। तुम तो ठहरे भांड मिरासी, नाच क्या नचाओगे? तुम तो ठहरे भांड मिरासी, नाच क्या नचाओगे? अपनी बारी आई तो पकड़ के गली भागो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया, कमाल कर दिया मास्टर जी। है? ये तो अल्ताफ राजा की धुन है। अल्ताफ राजा कोई परदेसी है क्या? मशहूर कवाल है, तुम तो ठहरे परदेसी, ये उसी की एल्बम की धुन है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मास्टर। कैसे? आपने ये धुन सड़क चलते गुनगुनाई होगी और उसे चुरा ली होगी। लेकिन अल्ताफ राजा की ये धुन तो 3 साल पुरानी है। है? बड़ा शातिर चोर है। 3 दिन पहले धुन को मैंने यहाँ से बनाया और 3 साल पहले यहाँ से सुन के चोरी भी कर लिया। आज से कव्वाली बंद। पूनम, व्हाट्स हैपनिंग विद अजिया? इट्स वेरी बैड। हाय पिंकी। हाय मास्टर। हाउ आर यू? फाइन मास्टर। ओके बाय। मास्टर जी, बिना देखे आपने कैसे कह दिया कि वो पिंकी है? खुशबू से, खुशबू से। मैं हर खूबसूरत लड़की को खुशबू से पहचान लेता हूँ। ये बदबू कहाँ से आ रही है? हट हट। हा, खुशी खुशी। पूनम, तुझे बाल पसंद है ना? ये ले। Come on, Khushi, how are you? Hi, Master. Yeah, what a maintenance. ये हुई ना बात? तुम्हें याद है ना? अपने कॉलेज का कल्चरल प्रोग्राम नजदीक आ रहा है। What about practice? तुम करण को ज्वाइन कर लो इमीडिएटली। Come on, start the rehearsals and all composition movements. नहीं मास्टर। क्यों? मैं इस फंक्शन में पार्ट नहीं ले सकती। क्यों 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 क्यों? मैंने कह दिया ना, नहीं ले सकती मैं। Okay, bad luck for you. Better luck next time. मुकेश। यस मास्टर। करण और रोमा की जोड़ी बना दो और उन्हें स्टेज पे उतार दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ओके मास्टर। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। मास्टर, व्हाट अगेन? ये रोमा कौन है? रोमा को नहीं जानती हो? रोमा, अरे फर्स्ट ईयर की नई स्टूडेंट है। कॉलेज में हंगामा मचा के रखी है, सारे स्टूडेंट्स उसके पीछे दीवाने हो गए हैं और अंधे बनकर उसके अगल बगल में घूम रहे हैं। रंग बिरंगे डिसलवा केस के बारे में कुछ पता चला? डिसलवा डिसलवा डिसलवा, कौन सा डिसलवा, कैसा डिसलवा, कहां का डिसलवा सर? अरे वो डिसलवा जिसे रोड पर गाड़ी कुचलकर चली गई थी, जिसकी बेटी ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि वो एक्सीडेंट केस नहीं है। अच्छा तो वो केस। सर लगता है इस केस की फाइल को तो बंद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मरने वाले डिसलवा की बेटी और उसके बच्चे का बयान तो हमने ले लिया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि गाड़ी पुराने मॉडल की है, फोर्ड है, काले रंग की है, उनमें से किसी ने भी गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया। दैट्स ऑल सर। पुराने मॉडल की फोर्ड गाड़ी शहर में बहुत सारी होगी, लेकिन जब तक तुम्हें गाड़ी का नंबर नहीं मिलता, आपको नंबर मिल सकता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? श्योर, कम इन। रवि साहब, वो कार जिसके कारण डिसलवा साहब की जान गई, उसका नंबर आपको मिल सकता है? तो क्या लाए हैं आप, कार का नंबर या कार की नंबर प्लेट? ना कार का नंबर ना कार की नंबर प्लेट, ये कबूतर लाया हूं। कबूतर? कहने को कबूतर है लेकिन मेरा दोस्त है, नाम है जेंगो। डिसलवा साहब को टक्कर मारकर जो कार निकली थी, उस कार को आज उसकी बेटी ने पहचान लिया। ये कबूतर जेंगो वहीं मौजूद था, जेंगो उड़ा और उस कार के पीछे लग गया। जेंगो नंबर पहचानता भी और आपको बता भी सकता है। बकवास करता है सर, ऐसा बेकार की बात है सर। जो काम रंग बिरंगे नहीं कर सका ये कबूतर कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो सरकार पॉलिटिशियन बंद करके कबूतर खाना न खोल दे सर। रंग बिरंगे सॉरी सर,
हाँ तो कहिए रोमी साहब। अगर इजाजत हो तो मैं ये प्लीज गो है। क्या नंबर था उस कार का जांगो? इनको बता दो। कमॉन जांगो कमॉन कमॉन जांगो कमॉन। 7 3 7 3 9 6 ये है उस कार का नंबर। थैंक यू जांगो। ब्यूटिफुल फैंटास्टिक एक्सीलेंट। अगर ये कबूतर इसी तरह कार का नंबर पहचानता और बता भी सकता है तो क्यों ना इसे ट्रैफिक कांस्टेबल बना जाए सर। हवलदार कबूतर कुमार। रंग बिरंगे इस नंबर की काली फोड़ का पता लगाओ। ओके सर। तुम क्या कर रहे हो भाई? लोगों को बर्थडे कार्ड भेज रहे हो? हाँ निरंजन भाई, इस महीने काफी जान पहचान वालों के जन्मदिन है, सोचा एक साथ ही सबको कार्ड भेज दूं। दीपक साहब, आपके पास सेंटिमेंट है? लो। थैंक यू। पर तुम इतनी रात को सज धज के कहाँ जा रहे हो? कहाँ ना, ये तुम्हारे समझ की बात नहीं है। कार्ड लिखो कार्ड। ये क्या, तुम तैयार होकर बाहर जाने के बजाय बिस्तर में घुस गए? लगता है तुमको समझाना ही पड़ेगा। देखो भाई, तुम जवान हो, तुमसे कई लड़कियां प्यार करना चाहेंगी, मुझसे कौन करेगी? मैं तो सिर्फ सपने में ही प्यार कर सकता हूँ, इसलिए नहा धोकर पूरी तैयारी के साथ सोता हूँ, ताकि कोई लड़की सपने में आए तो उसे मैं ठीक ठाक तो लगूं। ओके, मेरा टाइम हो गया। गुड नाइट, बाय बाय।